ये है वेल डिकम्पोज्ड लीफ मोल्ड और ये बिल्कुल भुरभुरा है, आप इसको कोकोपीट की जगह यूज कर सकते हैं। हाय गाइस, आज की वीडियो मेरे थर्ड फ्लोर टेरिस से नहीं है, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है एक ढेर जो कि है पत्तियों की खाद का ढेर, इसको लीफ मोल्ड भी कहते हैं। गाइस ये ब्लैक गोल्ड है, डेलिकेट डीडीए के पार्क्स में इसको यहाँ के वर्कर्स मेंटेन करते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको घर पे भी कैसे बना सकते हैं और मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊंगी कि इसके बहुत सारे फायदे क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो गाइस इसको बनाया जाता है बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करके ढेर के ऊपर ढेर लगाते रहते हैं ताकि पत्तियों के अंदर प्रेशर भी बिल्ड हो और इसको फ्रीक्वेंटली पानी भी डालते रहते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो पाइप की हेल्प से इसको मॉइस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे ये डिकम्पोज्ड है, इट टुक अराउंड अ ईयर आई थिंक, एक साल में ये इस तरह से बना है। तो ये पत्तियां मैं इकट्ठी कर रही हूँ ताकि इनको यूज करके मैं घर पे पत्तियों की खाद बना सकूँ। अगर आपको भी इस तरह से बनाना है तो आप अपने गार्डन में पहले भी पत्तियां या फिर बाहर से भी आप पत्तियां सोर्स कर सकते हैं। गाइस आई एम प्रीति एंड वेलकम टू मड एंड कलर्स। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम घर में लीफ मोल्ड यानी कि पत्तियों की खाद कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कोई भी पॉलीथीन का बैग, बड़ा शॉपिंग बैग होगा तो भी अच्छा होगा, मीडियम साइज का होगा तो भी ठीक। तो ये मैंने एक मीडियम साइज का शॉपिंग बैग लिया है और इसको मैंने सूखे पत्तों से भर दिया है। गाइस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जिससे खाद बनता है उसके लिए इन्वायरमेंट का मॉइस्ट होना जरूरी है, यानी कि इस बैग के अंदर अगर मॉइस्चर होगी तभी ये पत्तियां डिकम्पोज होकर खाद बनाएंगी। इसलिए हमें इन पत्तियों के ऊपर पॉलीबैग के अंदर थोड़ा सा पानी भी छिड़कना है। हम पत्तियों को एकदम ऑप्टिमली मॉइस्ट रखेंगे, ना तो ये ज्यादा गीली होनी चाहिए और ना ही एकदम सूखी, तो इसलिए हम टाइम टू टाइम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे और पत्तियों को हम प्रेस भी कर देंगे ताकि इस इन्वायरमेंट के अंदर की हीट अंदर ही एंट्रैप्ड रहे, जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगी, इससे खाद जल्दी से जल्दी बन जाएगा। इसके लिए हम इस पॉलीबैग को बंद भी कर देंगे, किसी धागे की सहायता से हम इसको बांध देंगे। गाइस खाद बनने की प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस होती है जिसके लिए हमें एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इस पॉलीबैग में छेद भी कर देंगे ताकि हवा आर पार हो सके। हम इस बैग को एक महीने में एक बार ज़रूर खोलेंगे, इसमें मॉइस्चर का लेवल चेक करेंगे और उसी के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे जिससे बैग के अंदर एयर भी इनकॉर्पोरेट होगी और लगभग 8 से 9 महीने या 1 साल के अंदर जाके ये पत्तियाँ खाद में बदल जाएंगी। ये इस तरह से वेल डिकम्पोज्ड लीफ मोल्ड बन जाएगा जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। अब हम बात करते हैं कि हम लीफ मोल्ड को किस तरह से यूज़ करें। तो जैसा आप देख सकते हैं ये मिट्टी बहुत हार्ड है, तो सबसे पहले तो मैं इस मिट्टी को नरम करने की कोशिश करूँगी इस खुरपी की सहायता से, और जब ये नरम हो गई है तो इसके बाद मैं इसमें काफ़ी सारी मात्रा में लीफ मोल्ड डालूंगी जो कि यहाँ पे कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगी और मिट्टी को नरम रखने में सहायता करेगी। सूखी पत्तियाँ कार्बन का सोर्स होती हैं, इसलिए सूखी पत्तियों से बने हुए खाद में मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मिट्टी को नरम रखने के साथ साथ उसको मॉइस्ट रखने में भी सहायता करती है। और जैसा कि मैंने बताया ये कार्बन का सोर्स होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन के लिए हमें इसमें एडिशनली वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर डालना पड़ेगा ताकि हमारे पौधों की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, तो इसके लिए मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है। तो इस तरह से मेरा गार्डन बेड रेडी हो गया है, अब मैं इसमें सर्दियों की सब्जियाँ लगा सकती हूँ, पर उससे पहले बीज उगाने के लिए मैंने हल्दी का उपयोग किया है ताकि टाइनी सीडलिंग्स को हम फंगस की डिजीज जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं उससे बचा सकें। तो मैंने लगभग 1 चम्मच जितना हल्दी लिया है और अब मैं इसके अंदर बीज उगाने जा रही हूँ। तो अब इस गार्डन बेड में मैं लगाने जा रही हूँ चने। गाइज ये काले चने या काबुली चने हैं जिनको हम स्प्राउट्स के लिए यूज़ करते हैं घर में, और इनकी आउटर जो सेल है वो नरम हो जाए इसके लिए मैंने 3-4 घंटे पहले इनको पानी में भिगो के रखा है। इससे सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प मिलती है और वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं। अब मैंने इन बीजों को लगभग 2 इंच डीप लगाया है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में मैंने लगभग 3 इंच का गैप लिया है। आप चाहें तो इस गैप को 1 इंच भी रख सकते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी ज़रूरी नहीं है। बीजों को लगाने के बाद अब मैं इनको अच्छे से मिट्टी से ढक दूंगी और एक बार अच्छे से पानी दूंगी। अब हम बात करेंगे कि लीफ मोल्ड को यूज करके हम परफेक्ट सॉइल मिक्स कैसे बना सकते हैं हाउस प्लांट्स के लिए, ये इंडोर हो सकते हैं या फिर आउटडोर प्लांट्स। तो चलिए हम सॉइल मिक्स की भी प्रिपरेशन करते हैं।
तो इसके लिए मैंने लिया है लगभग 2 हिस्से गार्डन सॉइल और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलाऊंगी जिससे ये एक अच्छा सॉइल मिक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट जो कि है पत्तियों की खाद, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और इसको मैंने गार्डन सॉइल से लगभग आधा हिस्सा लिया है और लीफ मोल्ड से आधा हिस्सा मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट का, पौधों की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। और वर्मी कंपोस्ट से आधी मात्रा मैंने बालू या रेत या फिर रिवर सैंड की ली है। ये मिट्टी की ड्रेनेज क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ये मेरा परफेक्ट सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा। इसको हम इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आउटडोर प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको यूज़ करूँगी कुछ कटिंग्स जो मैंने मॉनसून में प्रोपगेट की थी उनको बड़ा पॉट देने के लिए। ये एक सिंगोनियम की कटिंग थी जो मैंने प्रोपगेट की थी कुछ दिन पहले, अब इसमें अच्छे से रूटिंग हो गई है तो मैं इसको एक पॉट दे रही हूँ जो कि एक टेक अवे फूड बॉक्स है। इसके बॉटम में ड्रेनेज होल्स क्रिएट करने के बाद मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया है उसको यूज़ करके इसको मैंने रीपॉट कर दिया है। अब हम पौधे को पानी देंगे जो कि 1 मिनट के अंदर अंदर उसके ड्रेनेज होल से नीचे निकल जाएगा। सो गाइस, आज हमने जाना कि लीफ मोल्ड क्या होता है, लीफ मोल्ड यानी कि पत्तियों की खाद को हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं, लीफ मोल्ड को यूज करके हम विभिन्न प्रकार के सॉइल मिक्स जैसे कि हाउस प्लांट्स के लिए या फिर सब्जियों के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।